coming. Hi. Are you my name? Bet you. So, कहाँ थे आप इतने दिनों बाद? इतने भी क्या बुझे होते कि दोस्तों का ख्याल ही नहीं रहा? I think आर्यमन, आपको कोई चक्कर वक्कर, कोई girlfriend है ना? अरे अरे, थोड़े दिनों के लिए शहर से बाहर क्या चला गया? आपने तो मेरी इज्जत का फर्ज बना दिया। Very good news, मेरी पेंटिंग की एग्जीबिशन हो रही है, उसी सिलसिले में जरा उलझा हुआ, इसलिए शहर से बाहर। अच्छा, कब है एग्जीबिशन? कल मास आर्ट गैलरी में। एक्चुअली मैं आपको इनवाइट करने आया था, आप आएंगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर आऊंगी। वैसे इन दिनों में आप बदल सी गई। मेरी छोड़िए, अपनी सुनाइए। मेरी राय लीजिए तो आप शादी कर लीजिए। शादी? देखिए, जिस तरह से ये रिश्ते आजकल टूट रहे हैं ना, मैं इस बला से दूर हूँ। आर्यमन प्लीज, शादी कोई बला नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की वजह से ये बला बन जाती है, लेकिन जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप इस रिश्ते को खूब निभा पाएंगे। आपकी बीवी आपसे बहुत ही खुश होगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मैं खुश रह पाऊंगा? मैं उन लोगों में से नहीं जो शादी का लड्डू ना खाकर पछताते हैं। मैं सिंगल से डबल होकर डबल ट्रबल नहीं पालना चाहता। मैं सिंगल ही अच्छा। ठीक है बाबा। घर तो बहुत ही सुंदर है और लोकेलिटी भी पॉश है। हाँ, इनफैक्ट वुडवर्क भी करवाया ही हुआ है, फुली फर्निश्ड है। मुझे तो बहुत पसंद है। अजीत के पहचान वाले का 40 लाख में दे रहा, कुछ ज्यादा नहीं है। हमें थोड़ी जल्दी थी, 4-5 लाख इधर उधर चलता है। क्या सोचा आपने? क्या सोचा क्या, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे ले सकते? देखो शीशा, हम लोग अमेरिका जाकर आए हैं, इसीलिए तुमसे ये कह रहे हैं। अमेरिका जैसा सुख यहाँ नहीं है। यहाँ पे वही राशन की लंबी लंबी लाइनें, कुछ भी काम करना हो तो 10 लोगों की मुट्ठी गर्म करो। भीड़, नौटंकी, नॉट नॉट। सबसे बड़ी बात, वहाँ हर सपना साकार होता है। इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो तुम पेट काट काट कर सालों में इकट्ठा नहीं कर पाओगे, वहाँ आराम से रहने के बावजूद कुछ महीनों में इकट्ठा कर पाओगे। बिल्कुल। और फिर उज्ज्वल के भविष्य के बारे में सोचो, वहां उसकी जिंदगी सवर जाए। यहां रखा क्या? सभी कुछ तो है, आई बाबा है, मेरे भाई बहन है। तो धीरे धीरे उन्हें भी अपने पास बुला लेना। जब अजीत गया था, अखिल गया था, उसने भी तो हमें अपने पास बुला लिया। तो जब तुम सेटल हो जाओगे तो अपने पूरे परिवार को वहां बुला लेना। मम्मी जी, सब कुछ इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता। प्रियंका, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही? समझाओ उसे। मैं क्या कह सकती हूँ? ये खुद समझदार है, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगी। उन्हें जो भी ठीक लगे ये वही करें। ठीक है, मैं सुमित्रा जी से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। यस सर, एक्चुअली क्या है, ये जितनी पेंटिंग्स है ना, ये मैं ट्राइबल आर्ट से इम्प्रेस होकर ही मैं कर पाया हूँ। और इसमें जो टेक्निक है ना, वो भी ट्राइबल्स की है। Finally found her, Mr. Aryaman Punch himself. तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई मैं lost and found केस हूँ। अब ज़्यादा बनो मत, बिल्कुल fraud हो तुम। न्यूयॉर्क में गलत numbers, गलत address देके गायब हो गए, जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन अब ये मेरा पिन है, मेरी ज़मीन, मेरा देश, my India यार। अब कहाँ जाओगे? Relax. मैं अभी आता हूँ, जरा पेंटिंग के बायस को पेटे करके आता हूँ। You mean
इस एग्जीबिशन में पेंटिंग्स खरीदी भी जा सकती हैं? Of course. मिस्टर बासु? Yes, ma'am. मुझे मिस्टर आर्यमन पुंज की सारी पेंटिंग्स पसंद है. साड़ी की साड़ी खरीद लीजिए. अब ये पागल है? अगर सुनाई नहीं देता तो कान के पर्दे बदलवा दीजिए या नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए. मैंने कहा बाय ऑल द पेंटिंग्स. प्राइस इज नॉट अ प्रॉब्लम. Your exhibition is sold out now. अब तो तुम्हारे पास फुर्सत ही फुर्सत है. तुमने मेरी पेंटिंग्स खरीद तो नहीं, लेकिन क्या तुम्हें इनकी समझ, इनकी पहचान है? नहीं है तो तुम समझा दोगे? तुम्हें तो पहचानती हूँ, तुम्हें तो मेरी फीस भी दूंगी. एक्चुअली अब तुम्हारे पास कौन क्या है, क्यों ना आपसे शुरू करूँ? एजेंट से उनके सारे नंबर से पता नोट कर लीजिए और क्रॉस चेक भी कर लीजिए. ठीक है मैम. मैं तुम्हारे फोन पर वेट करूंगी. अगर कल तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैं खुद फोन करूंगी. सो बाय मैम. कौन थी ये? बला. थैंक गॉड टल गई. बला? वैसे आर्यमन, ये बला काफी फिदा है आप पर. इस बला का कोई नाम भी है? बला, जिस नाम से ही पुकारो ना, बला ही है. फिर भी इसका कोई नाम तो होगा. है ना, मलिका हर एक को अपनी मिलके समझती है. अरे समझती है, पूरी दुनिया को खरीद चुकी है. वैसे आपकी इस मलिका ने सारी पेंटिंग्स खरीद ली है. रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है. अरे जिस पर भी दिल आ जाए ना, बस उसको अपना बनाकर ही छोड़ती है. उसका दिल तो आप पर पूरी तरह से आ गया है. अब क्या होगा? ना करे. अरे एक साल पहले न्यूयॉर्क में एक पेंटिंग की वर्कशॉप थी, पर गलती से ये और हम एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे. तब से उसने ठान लिया कि शादी करेगी तो मुझसे करेगी. वाओ, सच एन इंटरेस्टिंग रोमांटिक लव स्टोरी. आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखा नहीं कितने प्यार से बोल रही थी आप. मन, अगर आपने मुझे फोन नहीं किया तो मैं खुद ही आपको फोन कर दूंगी. सो लॉन्ग. This is really love at first sight. अरे लव तो यहाँ दूर तक साइड में नहीं है. अरे उसकी. अरे बस, अब आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है. जा बना. बेगम मलिका आएगी टोली, आप ही के घर आएगी. बाय आर्यमन. बाय मन. सी यू. मलिका तो मरवा कर रही थी. कुसुम, तुम ही प्रियंका को समझाओ ना. मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं. क्या समझा भाभी? प्रियंका चाहती है कि मैं उसके साथ क्या, मैं उसके पेरेंट्स के साथ परमानेंटली अमेरिका में सेटल हो जाऊं. क्या? हाँ, उनका कहना है कि वहां प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और फिर अजीत तुम्हारी मदद कर रहा है ना सेटल होने में, और ऐसे मौके तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगे, इसलिए. और आप क्या चाहते हैं? कुसुम, मेरे चाहने से क्या होगा? आई और बाबा वो क्या सोचेंगे? इस घर के प्रति मेरी अपनी जिम्मेदारी है, और फिर इंडिया को पूरी तरह से छोड़ के जाना कोई आसान बात तो है नहीं. भैया, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, और मैं ये भी मानती हूँ कि इंडिया छोड़कर जाना कोई छोटी बात नहीं है. भैया, बाबा भी घर पे नहीं है और आई से इस बारे में बात करना. लेकिन भैया, जो भी फैसला करना सोच समझ के करना.
प्रियंका से मैं एक बार और बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, पर वही है ना कि वो भैया कई बार जो बात हम लोगों को समझाना चाहते हैं वो समझा नहीं पाते क्योंकि वो खुद उस बात को समझते नहीं है, और जैसे जैसे ही वो उस बात को महसूस कर लेते हैं वो अपने आप समझ जाते हैं, है ना? हेलो, हाय, मॉर्निंग कबूर, कहाँ मिल रहे हैं हम? मैं तो मुझे कबूर में या कहीं भी नहीं मिलूंगा। तुम्हारे घर पर? कबूर? मैं पहुंच जाऊंगी। मैं कह रहा मैं तुमसे नहीं मिलूंगा ना। What are you saying? तुम्हारे घर वाले मुझसे मिलना चाहते हैं? That is amazing. मतलब तुमने सारी बातें कर ली? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, नहीं करनी। वो शादी से पहले मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं। मैं पहुंच गई समझो। Yeah, I'll see you then. Bye. This is some salad and some baked vegetable on its way in some bag. Oh, very good. Is that my salad? Radu, are you making such a good salad? Koi shak. In fact, it's wonderful. Thank you, madam. Divine. You are being very generous with your compliment, I must say. Radha, ye batao, tum khana bahut acha banate ho, car bhi repair kar lete ho, paint bhi kar lete ho. क्या क्या करते हो भाई? वो क्या है ना चाचू कि वो मैं अभी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि फिर जो मेरे अंदर का जो चार्म है ना, यू नो, वो खत्म हो जाएगा। इट विल जस्ट वैनिश। पर जो आर्टिस्ट होता है ना, वो क्रिएटिव होता है और वो अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता है। कमाल कर दिया मासी आपने, क्या बात कही है। योर कोट वाज सो कोटेबल। अटेंशन एवरीवन, प्लीज देखिए, थोड़ी देर में यहाँ एक लड़की आने वाली है, उसका नाम मलिका बेदी है। वो थोड़ी पागल है, मेरा मतलब उसका जो यहाँ स्क्रू है ना वो थोड़ा ढीला है। जब वो आए ना तो उसके सामने मेरे पर बुराइयां करना प्लीज। क्यों बोलते? वो इसलिए क्योंकि मैं उससे अपना पीछा छुड़ा। मैं तो नहीं झूठ बोलने वाली, झूठ बोलना है वेरी एम्प्टी। प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना सेफ्टी गार्ड उठा लेना, मेरी जान बचा लूंगा प्लीज। ये वही मलिका है ना जिसने कल 5 मिनट में तुम्हारे सारे पेंटिंग खरीद लिए? हाँ जी। जो अमेरिका से तुम्हारा पीछा करती आई है? हाँ जी। जो प्यार से तुम्हें मन बुलाते हैं? हाँ। जिसको तुम प्यार करते हो? हाँ जी। अरे मैं तुम्हारी पूरी राम कहानी कुसुम ने फोन पे मुझे आज सुबह में ही बता दी। पर गुरुदेव, यू जस्ट डोंट वरी, आप फिक्र ही ना करें। राधे, मैं सब कुछ संभालू। आप संभालोगे? अभी रहने भी दो। अरे जाओ, अपना काम करो, जाओ। ये बेक डिश लाओ भाई। On its way, just come. अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही जाओ, हम संभाल लेंगे। मासी, ऐसा ऐसा जादू करना कि बस वो छू बंद हो जाए। हाँ हाँ, okay. करते हैं ना जादू, जाओ। सुमित्रा जी, हमने सारी बातें आपको साफ साफ बता दी। हाँ, लेकिन मैं आपकी बातें कैसे मानूं? और फिर आजकल शशांक के बाबा भी यहाँ नहीं है। वैसे देखा जाए तो यहाँ किस बात की कमी है? इन्हें अच्छा खासा इसका धंधा चल रहा है। बसी बसाई गृहस्थी, धंधा छोड़कर परदेश जाने की जरूरत ही क्या है? आपकी बेटी को किस चीज की कमी है यहाँ पर? सुमित्रा जी, आप समझ नहीं रही, बात वो नहीं है। दरअसल अजीत अपनी बहन को जीजा को अपने पास बुलाना चाहता है। वो शशांक का सारा इंतजाम कर देगा, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। और फिर यहाँ इंडिया की तुलना में वहाँ अमेरिका में सुख सुविधाएं भी तो बहुत ज्यादा है। सुख नहीं उमा जी, सुविधा कहिएगा। सुख तो इंसान को अपने देश में अपनी जमीन पर ही मिलता है। तन का आराम वहां जरूर मिलता है, लेकिन मन का चैन अपनी मिट्टी में ही मिलता है। सुमित्रा जी, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, किस सुख की बात कर रही है? क्या सुख मिला है मेरी बेटी को इस घर में? जिस लाड़ प्यार से मेरी बेटी मेरे घर में पली बड़ी है, उसका एक कोना तक नहीं मिला उसे यहाँ। बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, इन सब चीजों की कुर्बानी दी है उसे। और उसके बावजूद उसने यहाँ के ढंग ढंग में अपने आप को ढाला, बिना चूक किए एक बहुत अच्छी बहू बनी रही, हमारे संस्कारों को पाला। क्यों? और आज भी क्या सुख है, बड़ी ननंद ससुराल से यहाँ आकर रहने लगी है, उसके पेट में बच्चा।
दूसरे ने भी घर छोड़ दिया, तीसरी की शादी करवानी है, और आपका बेटा अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं है और उसने शादी करनी है। कितने लोगों की जिम्मेदारी लेगा शशांक? जिंदगी भर कमाएगा फिर भी अपने लिए दो पैसे नहीं बचा पाएगा। इस माहौल में मेरी बेटी कैसे सुखी रहेगी मुझे पता नहीं। पापा आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, अब प्लीज कुछ ना कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे ना, जब तुम्हारी कुसुम दीदी ससुराल में दुखी थी तो तुम उसे यहाँ ले आए थे, तुमने उसे संभाला, उसके सुखों का ख्याल किया, तो मुझे भी हक बनता है अपनी बेटी के सुखों का ख्याल करने का। शशांक प्लीज इन्हें गलत मत समझना, अगर तुम अमेरिका जाओगे तुम अपने परिवार के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं जुटा पाओगे, तुम्हारी तरक्की में ही इस परिवार की भलाई है ना। मम्मी एक बात याद रखिए, मेरी बहने कभी मुझे बोझ नहीं लगी और इस बात का एहसास मुझे प्रियंका ने ही करवाया। एक बार मैं अपने परिवार को छोड़ने की गलती कर चुका हूँ, उसकी सजा भुगत चुका हूँ, अब दोबारा जानबूझ करके मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। शशांक देखो हम लोग ये नहीं कह रहे कि तुम तुरंत अभी फैसला करो, सुमित्रा जी आप अपना वक्त लो, हमें कोई शर्ती नहीं है, हम इंतजार करेंगे, और अगर आप इजाजत दे तो हम प्रियंका को कुछ दिन अपने पास रखना चाहते हैं। मना मत कीजिएगा प्लीज, इतने सालों बाद उसका भाई विदेश से आया है। खाना तो खा लो। प्रियंका के माँ बाप की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बेटा मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा दुख जरूर हुआ है। आई उन्होंने जो कुछ भी कहा है सच ही तो कहा है, हम जितनी भी कोशिश करें इस बात को झुठला नहीं सकते कि मैं अपना ससुराल छोड़ आई, मैं माँ भी बनने वाली। लेकिन बेटा तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो। कसुम अगर तुमने भी उस बात को अपने दिल में बिठा लिया तो यकीन मानो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा, क्योंकि ये बात मेरे ससुर ने की है। देखो तुम दोनों सब समझ गए, अब मुझे कोई दुख नहीं है। देखने वालों का नजरिया हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, अनसुना कर सकते हैं, है ना? अब चलो खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी है।